नमस्कार। इस वीडियो में हम सैमसंग डबल डोर रेफ्रिजरेटर के वाटर ड्रिप पैन को निकालने का तरीका देखेंगे। अगर आप सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर में यही प्रोसेस देखना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सेफ्टी की बात सबसे पहले, किसी भी इलेक्ट्रिक शॉक से बचने के लिए रेफ्रिजरेटर के पावर प्लग को निकाल दें। ये रहा सैमसंग डबल डोर का वाटर ड्रिप पैन। समय के साथ ये बहुत गंदा हो जाता है, जिससे कई बीमारियों का कारण भी बन सकता है। यहाँ अच्छी बात यह है कि डबल डोर रेफ्रिजरेटर्स, जो कि ज़्यादातर फ्रॉस्ट फ्री होते हैं, सिंगल डोर डायरेक्ट कूल रेफ्रिजरेटर्स की तुलना में कम गंदे होते हैं, जिससे इन्हें बार बार साफ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन बुरी बात यह है कि इनका वाटर ड्रिप पैन निकालना थोड़ा मुश्किल है और इसके लिए आपको एक स्पेशल टूल की ज़रूरत पड़ती है। आप देख सकते हैं कि ये ड्रिप पैन लगभग 2 साल तक यूज होने के बाद काफ़ी गंदा हो गया है और इसे साफ करने की ज़रूरत है। यहाँ आपको ये पतले पाइप्स भी देखने को मिलेंगे, जिसके अंदर से गर्म गैस फ्लो होती है। पाइप को ड्रिप पैन के अंदर प्लेस करने के 2 कारण हैं। पहला, पैन के अंदर पानी होने से ये गैस ठंडी हो जाती है, जिससे रेफ्रिजरेटर की एफिशिएंसी बढ़ जाती है। दूसरा, गर्म पाइप से ड्रिप पैन के अंदर पानी का इवेपोरेशन यानी वाष्पीकरण होते रहता है, जिससे वाटर ओवरफ्लो की समस्या नहीं आती। ड्रिप पैन को अपनी जगह पर बनाए रखने के लिए यहाँ एक स्क्रू होता है, जो कि कंप्रेसर के ऊपरी भाग में लगे नट से कसा रहता है। इस स्क्रू को खोलने के लिए प्लस हेड वाला स्क्रू ड्राइवर चाहिए, लेकिन हम यहाँ इस तरह का नॉर्मल स्क्रू ड्राइवर यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि स्क्रू के ऊपर बिल्कुल जगह नहीं है। इसलिए हमें कुछ इस तरह का टूल सेट चाहिए। इसका रिव्यू और बाय लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब हम इन दोनों का यूज करके ज़रूरत के हिसाब से अपना स्क्रू ड्राइवर बना लेंगे। फिर हमें इस टूल की सहायता से यहाँ लगे स्क्रू को खोलना है। आप इस स्क्रू को देख तो नहीं सकते, लेकिन अपनी उंगली से फील कर सकते हैं। और अब हम इसे इस तरह से धीरे धीरे खोल लेंगे। ये थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हो जाएगा। हमने स्क्रू को खोल लिया है, लेकिन हम अभी भी ड्रिप पैन को पूरी तरह से बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं, क्योंकि ड्रिप पैन इन पाइप्स के कारण फंसा हुआ है। लेकिन अब आप स्क्रू को यहाँ पर देख पा रहे होंगे, तो चलिए हम पाइप्स को साइड में करते हुए इसे निकालने की कोशिश करते हैं। लेकिन उसके पहले हमने पाइप्स को पैन के अंदर लगे लॉक से बाहर निकाल लिया है। ये लॉक्स पैन के अंदर तीनों साइड में लगे हुए हैं। ध्यान रखें कि पैन को निकालने के दौरान पाइप्स को कोई भी नुकसान नहीं होना चाहिए, कोई भी शार्प बेंड नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि इससे कंप्रेसर के अंदर का गैस लीकेज हो सकता है, जिससे आपका रेफ्रिजरेटर काम करना बंद कर सकता है। ऐसी स्थिति में आप पैन के पिछले हिस्से को नीचे झुकाते हुए आसानी से बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन पैन में गंदा पानी होने के कारण मैं इसे सीधा ही बाहर निकालने की कोशिश कर रहा हूं। तो इस तरह से ये पैन बाहर आ गया है। सबसे जरूरी बात यह है कि किसी भी स्थिति में आपको इन पाइप्स को डैमेज नहीं होने देना है। यहाँ आप कंप्रेसर के ऊपर फिक्स किए गए उस नट को देख सकते हैं, जहाँ पर ड्रिप पैन का स्क्रू फिट होता है। कंपनी ने ड्रिप पैन को इस तरीके से डिजाइन नहीं किया है कि नॉर्मल यूजर इसे आसानी से निकाल कर साफ कर सके। दूसरे शब्दों में कहें तो कंपनी नहीं चाहती है कि आप इसे खुद से निकालें। अब हम ड्रिप पैन को पानी से और रेफ्रिजरेटर के पीछे वाले हिस्से को हल्के भीगे कपड़े से साफ कर लेंगे। आप कंप्रेसर को भी हल्के भींगे कपड़े से साफ कर सकते हैं। ध्यान रखें कि आपने पावर प्लग को निकाल लिया है। हमने वाटर ड्रिप पैन को साफ कर लिया है। यहाँ पर आप पैन के अंदर उन लॉक्स को देख सकते हैं, जिनके बारे में हम पहले बात कर रहे थे, और साथ ही हमने रेफ्रिजरेटर के पीछे वाले हिस्से और कंप्रेसर को भी साफ कर लिया है। तो चलिए अब हम ड्रिप पैन को वापस लगा देते हैं। निकालते समय इसमें पानी भरा हुआ था, जिससे हम इसे झुका कर नहीं निकाल पाए थे, लेकिन अब वो ऐसा नहीं है, इसलिए हम इसे बहुत ही आसानी से लगा पाएंगे। बस आपको इसे आगे से झुकाकर पाइप को पैन के अंदर लेते हुए लगा देना है। और फिर स्क्रू को अपनी जगह लगाकर टाइट कर लेंगे। स्क्रू को पूरी तरह से टाइट हो जाने के बाद पाइप्स को ट्रे के अंदर बने हुए लॉक्स के अंदर फिक्स कर देंगे और फिर एक बार चेक कर लीजिए कि सब कुछ अपनी जगह पे है। तो इस तरह से सैमसंग डबल डोर रेफ्रिजरेटर के वाटर ड्रिप पैन को निकालने और साफ करके वापस लगाने का प्रोसेस पूरा हो गया है।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।